तो गाइस यहाँ पे विंड ब्लास्ट काफी है, मतलब हैंडल को हिला दे रहा है, इतना जोर से हवा हो रही है। एक जगह थोड़ी सी गलती कर दी, वहां से लेफ्ट लेना था, मैंने राइट ले लिया। आप लोग देख सकते हैं काफी सुंदर सा व्यू लग रहा है यहाँ। 200 meters, turn left. हाँ भाई लेफ्ट जाना है, मुझे पता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात गणेश पूजा है, और मैं आज पहली बार मेरा सोलो ट्रैवल करने जा रहा हूँ। तो मेरा ये पहला सोलो ट्रैवल वाला ब्लॉग होने वाला है, और मैं बिल्कुल अकेले जा रहा हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो और जाना भी है काफ़ी दूर, मतलब ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स ड्राइव करना है, हालांकि जाने और आने का मिला के मैं बोल रहा हूँ। ओके और गाइज यहाँ पर बाइक सब तैयार है, हेलमेट बैग ले लिया हूँ, बैग में वैसे कुछ खास है नहीं, बस वाटर बॉटल्स वगैरह है, और एक एक्स्ट्रा ड्रेस ले लिया हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के वक्त में एक और प्लान हो सकता है मे भी। तो पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो निकलते हैं गाइज, ऑल द बेस्ट और हैप्पी गणेश पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। और आज गणेश पूजा है, तो आज शुभ दिन पे ये वाला सोलो ट्रैवल ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जर्नी का शुरुआत करते हैं। ओके तो अरे यार, तेल तो ऑन किया ही नहीं मैंने गाइज। तो यहाँ पर अभी मीटर में दिखा रहा है 73.5 था, मतलब थोड़ी देर पहले, तो 73.5 किलोमीटर जा चुका है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग का कितना किलोमीटर लगता है। ओके गाइज, तो गाइज अभी समय हो रहा है 8:15, तो ठीक 8:15 में समझ लीजिए घर से तो निकले ऑलमोस्ट 8:10 में। मैं रास्ते में बीच में जरा रुक कर हेलमेट में हैंडकरचिप डाल रहा था, ताकि मेरा हेलमेट थोड़ा डाउन हो जा रहा है, तो मुझे यहाँ का व्यू सामने का नज़र आ रहा है। तो गाइस क्योंकि ये हम लोग का पहला राइड है, तो स्पीड हम लोग लिमिट में रखेंगे, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, और स्पीड लिमिट सोच रहा हूँ अराउंड 50-60 के अंदर रखेंगे। और अभी यहाँ तो लिख भी रहा है बोर्ड में साइन की 50 किलोमीटर पे चलाओ। ओके तो अभी बज रहे हैं 8:20, और मुझे कब तक, हालांकि मैं बताना आपको भूल गया, मैं जा रहा हूँ महाविनायक टेम्पल, जो श्री गणेश जी का मंदिर है, और आज गणेश पूजा भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और मेरे लिए भी और सबके लिए भी, क्योंकि आज श्री गणेश जी का जन्मदिन था, मतलब जन्म दिए थे। ओके तो गाइस ये रहा हमारा सुंदर सा महानदी बीच, और मैं HDR मोड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि HDR मोड बेटर रहता है, ज़्यादा वाइड मिलता है, और हो सके तो आगे जाके मैं 4:3 में कर लूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है। गाइस ये है बीरूपा ब्रिज, और उधर एक ब्रिज की मरम्मत चल रही है, और इधर एक ब्रिज है। तो गाइस यहाँ पर रुके मैं रास्ता देख रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर होल्डर रहता तो मैं लगाया था, बट रुक रुक के ओपन करके देखना है। वैसे रास्ता कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस सीधा ही जाना है। तो निकलते हैं गाइस। ओके 200 पकड़ तो फाइनली गाइस तेल डलवाने का काम खत्म, अब हम लोग बेफिक्र होके निकल सकते हैं। ओके तो गाइस धूप हो रही है, तो मैं स्लीव जरा सीधा कर लूँ, पता चला कि हाथ पांव सब काला पड़ गया। गाइस अब मैं 4:3 कर दिया हूँ, तो यहाँ से 4:3 में कुछ कुछ क्लिप लेंगे। मौसम बारिश जैसे हो रखी है, और यहाँ पर मुझे पहला टोल गेट दिखा, तो मुझे नहीं लगता बाइक वालों को कुछ देना पड़ता होगा, ऑब्वियसली बाइक लोग क्यों देंगे। तो 4-व्हीलर्स के लिए है, तो ये रहा पहला टोल गेट गया। ओके उसके पहले भी एक टोल गेट था, मतलब वहाँ पे सिर्फ तोड़ के रखे थे, मतलब उसी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, पहले पीछे था। तो गाइस यहाँ पे विंड ब्लास्ट काफी है, मतलब हैंडल को हिला दे रहा है, इतना जोर से हवा हो रही है, तो गाड़ी जब थोड़ा इंबैलेंस हो रहा था, मैं थोड़ा धीरे कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़बरदस्त विंड चल रही है। हालांकि मैं उसी वक्त से सोच रहा हूँ कि मेरा गाड़ी हिल क्यों रहा है, तो बाद में मैंने नोटिस किया, मैंने हेलमेट का जो कवर रहता है वो मैंने गिरा रखा था, इसलिए मुझे विंड का फील नहीं हो रहा था कि विंड ज़्यादा है। अब मैं मतलब हेलमेट का शील्ड ऊपर कर रहा हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि एक्चुअल में विंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मेरा हैंडल हिल रहा है ऑटोमेटिक। मुझे लग रहा है अब और कुछ हो गया क्या गाड़ी में प्रॉब्लम, तो अब मुझे थोड़ा लिमिट में चलाना होगा, जहाँ पर ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है वहाँ पर ज़रा स्पीड ज़रा धीमा रखना होगा। वैसे भी मैंने स्पीड ज़्यादा बढ़ाया नहीं था, यहाँ पर जिस तरह का मार्किंग लगा हुआ है 60 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर उसी हिसाब से मैं चला रहा हूँ,
सो बने रहिए ब्लॉग के साथ गाइज। ये एक मेरा नया एक्सपीरियंस हो रहा है और कुछ नहीं, क्या नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा व्यू लग रहा है यहाँ से पहाड़ के बीच में, हालांकि पहाड़ के साइड में हूँ। और मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है बोलने में, हालांकि विंड ज़्यादा है इसलिए। और तो और गाइस, नेशनल हाईवे पे आपको माइक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतना दिन से बिना माइक के मेरा काम चल रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे पे ज़रूरी है गाइस, बिना माइक के नहीं होगा। नहीं गाइस, हम लोग आ चुके हैं और एक रोड पे, मतलब वहाँ ट्रैफिक से लेफ्ट ले लिया हम लोग छक पर से, ठीक है। तो ये पहाड़ दिख रहा है और सीधा जाने पर ही महाविनायक का मंदिर है। फाइनली गाइस, तो हम लोग और 4 किलोमीटर दूरी पे हैं मंदिर से और मैं ठीक पहाड़ों के सामने खड़ा हूँ। आप लोग देख सकते हैं पीछे, मतलब पहाड़ है और गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दिया। हालांकि रास्ता वो वाला है और ये वाला एक अलग से रास्ता बन रहा था, सोचा यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट क्या, बस थोड़ा बहुत, क्या अरे यार, थोड़ा बहुत कुछ ब्लॉग बना लेते हैं यहाँ पर रुके। ओके, तो देखा जाए तो काफ़ी कूल प्लेस है ये वाला। और आप लोग को राइट साइड में इधर से पहाड़ दिख रहा है, इधर ज़्यादातर सब पहाड़ ही दिख रहे हैं। ओके, तो बस और 4 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी बज रहे हैं 9:20। मैंने काफ़ी जगह पे रास्ते में बीच में रुका और रुककर थोड़ा बहुत, तो मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी, मतलब कुछ कुछ कहीं के बोलने का, और मुझे हेलमेट का विंडशील्ड ऊपर करना पड़ रहा था, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अगर माइक नहीं है तो, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, हालांकि जैसे कि पता है सोलो व्लॉग चल रहा है और मैं अकेले आया हूँ और काफ़ी घर से दूर आया हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ओके, तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ओके, ये रहा एंट्री, तो यहाँ से मैं एंट्री अपने लेने वाला हूँ। ओके गाइस, मैंने एंट्री ले ली है और मुझे क्यों लग रहा है कि 3-4 किलोमीटर जरा आगे पीछे हो गया है। साइड मैंने किसी और रास्ते से बाइक ले आया हूँ, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं बाद में आपको कंफर्म होकर बोलूँगा। ओके, उधर पहाड़ दिख रहा है और सामने ये रहा रास्ता, और वहाँ जो गेट दिख रहा था मंदिर का, मतलब एंट्रेंस था कि लिखा हुआ था वहाँ पर महाविनायक, तो एक्चुअली देखते हैं अब क्या होता है। हालांकि इधर ही है, मैंने पूछ लिया है, मंदिर तो इधर ही है, बस अब यहाँ से और कितना देर लगता है देखते हैं। फाइनली गाइस, मैंने मैप में देखा, मैंने एक जगह थोड़ी सी गलती कर दी, वहाँ से लेफ्ट लेना था, मैंने राइट ले लिया, तो मतलब ऐसे जा रहा था, लेफ्ट राइट नहीं था, थोड़ा ऐसे था रास्ता, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 3-4 किलोमीटर का फ़र्क है। और ये रास्ता जो जाता है मतलब मंदिर की तरफ जा रहा है, बस थोड़ा घूम के जा रहा और कुछ नहीं। फाइनली गाइस, यहाँ से और थोड़ी ही दूर पर है और आप लोग देख सकते हैं कि व्यू कैसा है, काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है, मतलब यू नो सामने पहाड़ ही पहाड़ है। और वहाँ से मैंने एक बंदे को पूछा, हालांकि बोला कि यहाँ से लेफ्ट लेके जाओ, मैप में भी वही दिखा रहा है। ओके, तो कंफर्म है यही रास्ता है, और उधर का रास्ता मैंने छोड़ दिया, इधर आया यहाँ से, मतलब थोड़ा कितना एक्स्ट्रा पड़ा मैं आपको एडिटिंग करने वक्त में यहाँ लिख दूंगा, मुझे एक्स्ट्रा कितना पड़ा मेरे गलतियों के कारण। अब यहाँ पर बंदर तो देखने के लिए मिलेंगे, अब यहाँ पर कुछ चूजे घूम रहे हैं और यहाँ सुंदर से झील है, तो वहाँ पर बड़ा सा पत्थर उधर, और मैंने मैप ऑन किया, अब यहाँ से मैप में बोल रहा है कि मुझे पॉकेट में मोबाइल है फिर भी सुनाई दे रहा मुझे, ठीक है, बोल रहा है कि राइट लेने के लिए। तो यहाँ सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ से जाऊँगा, तब तक गाड़ी यहाँ साइड में ज़रा रखते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा रुका हूँ, मुझे पता है बाल मेरा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने क्लिप लाया है पर बैग में रखा हूँ सामने से। हाँ भाई, लेफ्ट जाना है मुझे पता है, मैंने गूगल मैप बोल रहा है अभी तक कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। यहाँ पर रुका हूँ मैं ये वाला व्यू दिखाने के लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं पीछे का। ओके, तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा दूँ कि कैसा दिख रहा है ये प्लेस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब बाजू में चारों तरफ से पत्थर वत्थर वगैरह हैं। ओके, तो बस गाइस, अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, और बाजू में कोई वहाँ पर आदमी कोई कुछ कर रहा था, खड़ा को देखने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ हेलमेट के साथ, हालांकि हेलमेट मैंने लगाया, कैमरा मैंने हेलमेट में उसे लगा के रखा है, मोटो ब्लॉग चल रहा था इसलिए। तो सुंदर सा व्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, कोई नहीं है यहाँ पर, बस सामने एक बंदा आदमी दिख रहा है ना, मंदिर बैठा ये था ना। अब यहाँ से कुछ दूरी पे गए गाइस, वहाँ पर जो सामने उधर दिख रहा है आपको, ऐसे गया है इसकी तरह रास्ता, हमको उधर ही जाना है, ठीक है। तो ये पता नहीं बाजू में ऐसे क्यों लगाए, जो भी अच्छा दिख रहा है लेकिन। ओके, तो अभी बज रहे हैं 9:40 गाइस, तो हालांकि थोड़ा बहुत लेट हो गया, मतलब मैं रास्ते में काफ़ी रुक रहा हूँ और ये मज़े लेके जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा, वरना अगर रास्ता पहले से पता होता और रास्ते में उतना फुटेज नहीं लेना होता तो मैं डायरेक्ट बहुत जल्दी पहुँच जाता, तो इसलिए थोड़ा बहुत देर हो रहा है। और स्पीड में मुझे लिमिट में रखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब मोटो ब्लॉगिंग करने वक्त में बोल रहा हूँ तो बोलने के वक्त में मुझे ज़रा स्पीड कम रखना पड़ता है, ताकि आपको सुनाई दे, वरना पता चला कि सुनाई ही नहीं दे रहा तो फ़ायदा क्या।
और गाइस रही बात माइक की, मैं फिर से बोल दूँ कि माइक के बिना पॉसिबल नहीं है। आप एनएच में अगर ड्राइव कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कुछ बोलने के लिए कि ऐसे ऐसे विंडशील्ड करके ओपन क्लोज करके आपको ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं गाइस, रास्ते पे बने रहिए हमारे साथ। ओके, पहाड़ पास में है लेकिन जितना दिख रहा है उतना पास में है नहीं, तो वाइड एंगल कैमरे में तो आपको दूरी दिख रहा होगा लेकिन मुझे यहाँ से पास दिख रहा है लेकिन उतना पास है भी नहीं। इसे कहते हैं नज़ारा, काफ़ी कूल लग रहा है। यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है फिर उधर जाना है। ओके गाइस, ये एक और एंट्री है गाइस, ठीक है गाइस। ये रहा सामने जो एंट्री दिखा आपको, यहाँ से मुझे ऐसे करके आना था, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, मैंने वैसे घूम कर ऐसे कर गया, ठीक है। बस वही मैंने गलती कर दी गाइस, जो कि मैं भी नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। और अब मैं डायरेक्ट सीधा मंदिर के पास जाने वाला हूँ। अभी यहाँ से और थोड़ा दूर टाइम तो लगेगा क्योंकि मुझे रास्ता एक्चुअली पता नहीं है, इसलिए पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है, मैप में भी देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं मंदिर के पास, ठीक है। ये है सही रास्ता गाइस, आपको लग रहा है काफ़ी लेट हो रहा है जाने में, लेकिन सच पूछूँ तो मैंने जल्दी निकला है घर से, तो 10 भी नहीं बजे और 10 बजे निकले और शायद मैं 10 बजे तक मंदिर तक पहुँच जाऊँ, तो ये एक अच्छी बात रहेगी क्योंकि ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। ओके तो गाइस अभी टाइम हो रहा है ठीक 9:45 और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग मंदिर पहुंच गए। तो देखा जाए तो और 15 मिनट में सोचा था 10 बज जाएगा लेकिन 10 नहीं बजा, बस यहीं पर था और कुछ नहीं। ओके है बाइक का स्टैंड, ओके तो मैं यहाँ गाड़ी रख देता हूँ। चलो हेलमेट का पता नहीं क्या होगा।